और एक था पटेल, वह दो बैल उसी के थे। सुबह से ढूंढ रहा था बेचारा। अरे डमरू कहाँ खो गए? अब मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नमस्कार टीला जोशी जी, मेरे बैल कहीं खो गए हैं, क्या आपने देखे हैं? बताओ तो जरा, कैसे दिखते हैं? हट्टे कट्टे हैं, सफेद है, एक के माथे पर काला दाग है, दूसरे के सिंग लंबे और सुंदर है। अरे ये तो वही बैल लगते हैं। भाई देखे तो नहीं, पर अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगा सकता हूँ। अकड़म बकड़म वेम राम रम रम स्वाहा, दिखाई दिए मिल गए। तुम्हारे बैल नगर के उस वाले खेत में चल रहे हैं। वाह क्या बात है, आपकी ज्ञान शक्ति तो कमाल है। चलिए आप मेरे घर चलिए और हमारे साथ भोजन कीजिए। बाहर आओ, इनसे मिलो। यह है विद्वान टीला जोशी जी, इन्होंने हमारे बैल ढूंढ निकाले हैं। नमस्कार टीला जोशी जी, स्वागत है। आपके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हूँ। टीला जोशी जी ने सोचा, अच्छा हुआ बैठे बिठाए खाने का बंदोबस्त हो गया। महक तो बड़ी अच्छी आ रही है, मुँह में पानी ला रही है। जब पटना ने रोटियाँ बनाने शुरू की तो बाहर तवे पर रोटियाँ गिरने की आवाज आई। तब लगता है रोटियाँ बन रही हैं। वह पहली थी, तब दो, तब दस। जब पटनानी रोटियां बनाकर बाहर आई तो सोचा कि क्यों ना जोशी जी की परीक्षा ली जाए। खाना तैयार है महाराज, पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी विद्या कितनी पक्की है। महाराज तो आप यह बताएं कि मैंने आज कितनी रोटियां बनाई। यह तो अच्छा हुआ कि मैंने खाली बैठे बैठे रोटियां गिन ली। आपने 10 रोटियां बनाई हैं। मानना पड़ेगा आप तो सचमुच ज्ञानी हैं। आप हमारे साथ कुछ दिन रहे, हमें आप जैसे विद्वान की सेवा करने का मौका दीजिए। राजा का पैगाम सुनो, रानी माँ का कीमती हाथ ढूंढने में राजा की मदद नहीं करते, मुँह मांगा इनाम मिलेगा। अगले दिन पट्टे टीला जोशी जी को ले महल जा पहुँचे। जय हो महाराज, यह है विद्वान टीला जोशी जी।